आत्मा चरण की विज्ञप्ति जल्द से जल्द हमें चाहिए। चार वर्षों से मांगते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। एसटी टीवी वाले शिक्षक अभ्यर्थी आज फिर से डाक बंगला चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनको विधानसभा का घेराव करना था, लेकिन इसी क्रम में पुलिस ने लाठीचार्ज उनके ऊपर कर दिया है और भगदड़ की स्थिति मच गई है। वहां पे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वहां पे उनको भागना पड़ा और उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, पहले आप सुनिए। हम लोग लगातार सर दिसंबर 2019 से ही एक ही हम लोग की मांग है, सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति, जो कि अभी तक सरकार उसमें एक काम नहीं कर रही है सर। लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। बोला गया था कि इस कैबिनेट में आप लोग का नियमावली बन के तैयार है, दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो सर हम लोग घर पर बैठ के क्या करेंगे? ये हम लोग का लास्ट उपाय यही है, प्रोटेस्ट करना। लाठीचार्ज हो या कुछ भी हो, हम लोग सातवें चरण की विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे सर। झूठा आश्वासन में घर नहीं बैठेंगे। सरकार आप लोग की मदद नहीं कर रही है। सरकार क्या मदद करेगी? सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी और रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए, चंद दिन रुक जाइए। ऐसे नहीं ना चलेगा। हम लोग 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर आप लोगों की मांगे पूरा नहीं होगी तो आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई यही होगी कि उनका जो तेजस्वी जी हैं सोच रहे हैं कि हम बन जाएंगे सीएम, उसी पे हम लोग का वर्क होगा, क्योंकि वो हम लोग का काम नहीं कर रहे, तो हम लोग बस यही करेंगे कि वो भी सीएम नहीं बने, इसी पे हम लोग वर्क करेंगे। तो प्रधानमंत्री बनने का सपना सोच रहे हैं। जब उनका बिहार नहीं संभाला जा रहा है तो क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे? हम लोग बेटियाँ हैं, बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये बताइए पढ़ लेकर हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, इस पे उनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है? बेटी को पूरा सुरक्षा दे रहा है। सुरक्षा दे रहा है कब? वो तो दहेज को बढ़ावा दे रहा है सर। जब हम लोग इतना पढ़ लिए हैं फिर भी नौकरी अगर नहीं मिलेगी, अपने पैर पे नहीं खड़ा होंगे, तो कोई अपनी बेटी को पढ़ाना चाहेगा? हम लोग 3-4 लाख रुपए लगा कर बताइए अभी तक इस मुकाम पे आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक बने, ये बताइए हम लोग की मांग क्या गलत है? इस बार मतलब आपको कहना है कि हमारी बहाली होनी चाहिए। हमारी बहाली बस होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो हम लोग उनको भी पीएम का जो सपना देख रहे हैं वो भी सपना है, सपना ही रह जाएगा। क्या नाम हुआ? मालती कुमारी सर। से मांगेंगे सातवां चरण का बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दे। सरकार से हम लोग का ही मांग है, सातवां चरण का नोटिफिकेशन जारी कर। केवल पेपर में बहाली आ रही है, धरातल बहाली नहीं आ रही है। 2 लाख 3 लाख केवल पेपर में पर दिन निकल रहा है कि 2 लाख बहाल लिया गया, 3 लाख बहाल लिया गया, लेकिन धरातल पर बहाली नहीं आ रहे। हम लोग का सरकार से यही मांग है कि सातवां चरण का नोटिफिकेशन जारी करे। अब की आर या पार के लड़ाई है सर, लगातार हम लोग 4 बार ये डाक बंगला चौराहे पर आए हैं और पुलिस प्रशासन से हम लोग ने लाठियां खाए हैं, लेकिन अब की आर या पार की लड़ाई है। तो आगे की आप लोगों की क्या कार्रवाई? हम लोग का विधानसभा घेराव करने वाले जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोका जा रहा है। अभी देखिए आगे क्या प्रोग्राम बनता है। आप लोग सरकार आप लोग की कोई मदद नहीं कर रही है। सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, बोल ही रहे कल पेपर में बहाली निकाल रही है, उसको नोटिफिकेशन जारी करेंगे तब ना हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। हम लोग कितना बार सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं। हम लोग प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से डिमांड है कि हम लोग की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कीजिए। अब बहुत हुआ है, अब 4 सालों से हम लोग से आंदोलन करवा रहे हैं। हम लोग आंदोलनकारी नहीं है, हम लोग को शिक्षक बनना है और हम लोग को शिक्षक बनाइए। सातवां चरण विज्ञप्ति हम लोग नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द बहाली दीजिए, सातवां चरण बहाली दीजिए। हमें रोड पर उतरना कोई शौक नहीं, हमें वोट पर उतरना है। हमारे बिहार के बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, हमें भविष्य को बच्चों को भविष्य को संभालना है, बिहार का शिक्षा को संभालना है। इसलिए हम तेजस्वी जी से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें विज्ञप्ति चाहिए, जल्द से जल्द बहाली चाहिए। हम लोगों की मांग पुरानी मांग है जो पिछले 4 वर्षों से मांगते आ रहे हैं। छोटी सी मांग है, सातवां चरण की विज्ञप्ति जल्द से जल्द हमें चाहिए। तो आपने सुना जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी भड़के हुए हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को खरी कोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि आज बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन डाकमंगला चौराहे पे ही उन्हें रोक लिया जाता है और उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।